नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण 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 का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। दीदी, कई बार प्रार्थनाओं के जैसे नतीजे हमें चाहिए वैसे न आने पर मन डगमगाने लगता है। अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें किस मंत्र का पालन करना चाहिए? ओके, वंस रिपीट, एक बार और रिपीट कर दीजिए प्रश्न को। हाँ। दीदी, कई बार प्रार्थनाओं के जैसे नतीजे हमें चाहिए वैसे न आने पर मन डगमगाने लगता है। अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें किस मंत्र का पालन करना चाहिए? ओके, नारायण नारायण नारायण। हाँ, आप किसी विशेष मकसद से प्रार्थना कर रहे हैं और आपका मकसद वो पूरा नहीं हो रहा है तो आपका मन डगमगाने लगता है। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि यदि आपसे नियमित प्रार्थना हो रही है, नियमित प्रार्थना रेगुलर हो रही है, जो मन चाहा नतीजा आपको चाहिए है उसके लिए, तो ये इंडिकेशन है कि यदि वो प्रार्थना करवा रहा है आपसे तो निश्चित है वो प्रार्थना सुनेगा। नहीं तो चाहते भी हम नियमित प्रार्थना नहीं कर पाते। कई लोग नियम लेते हैं पर निभा नहीं पाते। तो फर्स्ट थिंग, अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि यदि मुझसे नियमित प्रार्थना हो रही है इसका अर्थ ये है कि वो मेरी प्रार्थना सुन रहा है। पहली बार दीदी, कई बार परिणाम वैसे नहीं निकलते जैसे हम चाहते हैं। ओके, तो मन डगमगाने लगता है थोड़ा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, उस पर भी आते हैं कि परिणाम आपका मन चाहा नहीं निकलता। ऐसी अवस्था में हमारा मन डगमगाने लगता है ना, राइट। अब ये देखिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए, राइट, कि आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी निरंतर प्रार्थना चल रही है, फोकस आपका इस पर है। और इन बिटवीन आपके हाथ में पेंसिल आई है ना। हाँ, आपका फोकस सारा इस पर होने की वजह से आप इसे अनदेखा कर देते, जबकि इस क्षण की रिक्वायरमेंट ये है, ये जरूरत है और ये इच्छा है। आप समझ रहे हैं जरूरत किसकी है? जरूरत प्राथमिकता जरूरत है, इच्छा है, ये इच्छा है। ओके, प्रकृति को पता है, इस ब्रह्मांड को पता है कि इच्छा बाद में पूरी की जा सकती है, इस वक्त जरूरत जरूरत है, जिसकी जरूरत है वो पहुंचाइए, है ना। और एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आता है, ये हासिल कर लिया आपने, पर आपको इस पर इसका धन्यवाद आपको दिखाई नहीं देता कि प्रार्थनाओं की वजह से मेरी ये जरूरत पूरी हुई है, क्योंकि पूरा फोकस किस पर है आपका? इस पर है ना, राइट। अब एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आता है, आपने कईयों से सुना होगा कि हमने सर्टन चीज के लिए, सपोज इसके लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, पर हमें हासिल नहीं हुआ, और जब ये हासिल नहीं हुआ हमें बहुत दुख हुआ, पर आज महसूस हो रहा है कि इसका हासिल ना होना अच्छा था, उससे ज्यादा ये कीमती था, राइट। है ना, ये चीज पहुंच गई आपके पास, ये प्रार्थना है। और साथ ही साथ कई बार आप डेट डाल देते हैं, समझो हमने प्रार्थना की कि जुलाई एंड तक हमारा ये काम हो जाना चाहिए, सर्टन चीजें मुझे ये हासिल हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, आपका ये काम नहीं हुआ। पर इन बिटवीन यदि आप जरा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप ऐसे कई काम आपके हो गए हैं ये आपको महसूस होगा, जिसकी ओर आपने ध्यान ही नहीं दिया। और जब डेट इसकी डाली थी हमने कि 30 जुलाई तक हमें यह हासिल हो जाना चाहिए, प्रार्थना चल रही थी, यह हासिल नहीं हुआ, तो ये 30 जुलाई की डेट निकल गई, उसके बाद से वो इंटरेस्ट चुकाता है पर डे के माध्यम से। तो जब ये आएगा आपके साथ तो आपके साथ और भी कई चीजों को लेकर आएगा, वो इंटरेस्ट चुकाएगा। आप थोड़ा सा सोचिए ना कि आप जब कोई आपके लिए जरा सा कुछ करता है, थोड़ा सा भी कुछ करता है, तो आपके मन में ये भाव आता है कि मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए,
चाहे जितना उसने किया है उतना मैं कर सकूं, पर 5% तो करूं। आता है कि नहीं आता है? जब हम साधारण इंसान होकर ये भाव रखते हैं कि हमें भी कुछ लौटाना चाहिए, तो ये प्रकृति बाकी रखने वाली है क्या? मुझे बताइए, ये भाव द्वारा की गई प्रार्थना अपने पास बाकी रखने वाली है क्या? जो शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर है, भरपूर है, जो मन चाहा यदि आपके पास नहीं पहुंच पाता है, आपको ये संतुष्टता पहली बात रखनी है कि मेरी मुझसे प्रार्थना हो रही है, मतलब वो करवा रहा है, यानी मैं सफल होने वाली। और इन बिटवीन जो चीजें आपको मिलती जा रही है, जिसकी जरूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसका आभार प्रकट करते जाए। और डेट निकल जाती तो बी वेरी हैप्पी कि मतलब विद इंटरेस्ट चुकाओगे आप। ओके, हाँ, एक पे कई चीजें मार्केट में, तो एक पे एक फ्री मिलता है, वो कितनी अनगिनत चीजें आपके आपको एक पर एक देगा, आपको खुद को नहीं मालूम, खुद को नहीं मालूम। सेकंड थिंग अब ये समझना होगा आपको, ये गणित अच्छे से है ना, ये आपकी विश है, राइट? दिखाई दे रहा है, ये आप है, दिस इज योर सेल्फ, है ना? विश आप, यदि मन में कुछ पाने का भाव आया है, ये भाव भी ब्रह्मांड हमें भेजता है। हर चीज पाने का भाव नहीं आता आपके भीतर, सर्टन चीजें पाने का भाव नहीं आता, तो ये चीज पाने का आपके भीतर भाव आया और आपने यहां से प्रार्थना शुरू की, राइट? है ना? अब जो ही आपने प्रार्थना शुरू की, ये नजदीक नजदीक इसका आना शुरू हो गया, राइट? आपकी प्रार्थनाओं ने इसे अपनी ओर आकर्षित किया, आपकी ओर भेजा। इन बिटवीन आप प्रार्थना कितने करते हैं? आपके हाथ में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे सोने के पकड़िए, 16 घंटे आपके हाथ में होते हैं जागृत अवस्था के, उसमें आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा। बाकी रिमेनिंग टाइम आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपका विचार और वाणी व्यवहार कैसा चल रहा है, कैसा चला। वाणी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से आपने यदि किसी को हर्ट कर दिया, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये पाकर आपको हैप्पीनेस मिलेगा? दिखाई दे रहे मेरे हाथ? इससे पाकर आपको हैप्पीनेस मिलेगा, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपने किसी को हर्ट कर दिया तो आपका, आपने किसी को दुख दिया तो इसका जो सुख मिलने वाला था आपको वापस यहाँ पर आ गया, आपकी प्रार्थनाओं से यहाँ तक पहुंचा था, आपने हर्ट करके दूसरों को यहाँ तक पहुंचा दिया। फिर अगेन शुरुआत से प्रार्थना, फिर इसे बुलाते हो, फिर हर्ट कर देते हो, अनदेखा कर देते हो, फिर पीछे भेज देते हो, और फिर इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी क्यों हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्वेश्चन मार्क। दीदी तो बहुत प्रिकॉशन जरूरी है, कितनी बार दिमाग में ऐसा आता है कि अपना सफल नहीं हो रहा है, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी प्रिकॉशन। इज इट क्लियर? या दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने क्लियर किया, बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। नारायण 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 नारायण। हाँ, माइक अनम्यूट कर लीजिए। शारदा जी रुकना आ रहे हैं? हाँ जी, हम उनको देख रहे हैं। शारदा जी रुकना, वो ना उनका नेटवर्क का थोड़ा इशू है दीदी, वो बार बार आ जा रहे हैं, आप उनका क्वेश्चन हाँ, पूछ सकते हैं। संध्या जी आपका नहीं, खाली कुछ वीडियो नहीं आ रहा है,
दीदी आप, शशि दीदी आप पूछिए क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप उनका क्वेश्चन पूछ लीजिए। दीदी यदि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तो भी हमारे माइक पास में लीजिए थोड़ा। हाँ जी, सॉरी सॉरी। हाँ, और हाँ, आइस से आस्ते बोलते तक प्रश्न पूरा सबके समझ में आए। दीदी यदि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तो भी तो हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं, उनको कैसे सेटल करें? कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहूंगी। दीदी दीदी यदि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तो भी तो हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं, उनको कैसे सेटल करें? कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ओके हाँ, फर्स्ट थिंग आपने कहा कि हमें पता ही नहीं होता कितने लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? पहली बात, यदि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आपने मुझसे कहा नहीं है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए, ऐसे में आप कर्म बंधनों से नहीं बनते, क्योंकि आपने मुझसे प्रार्थना मांगी नहीं है, आपने मुझसे कहा नहीं है। हाँ, मेरे खाते में अवश्य पुण्य जमा होता है क्योंकि मैं आपकी वेल विशिंग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि आपने मुझसे कहा प्रार्थना करने के लिए, आपने कहा है मुझसे, और या मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा, कह भी दिया, आपने मांगी नहीं प्रार्थना, आपने कहा नहीं, पर मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, इसमें भी कर्म आपके नहीं बनते क्योंकि आपने कहा नहीं। ये कर्टसी आपकी रहेगी कि आप एवज में एनर्जी एक्सचेंज करें, आपको पता पड़ने पर ही ऐसा कर्टसी, कर्म नहीं बंधेंगे आपके, क्योंकि जब तक आपने बोला नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आपने सामने वाले से कहा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उसने प्रार्थना की, उस अवस्था में जरूर कर्म बनते हैं, क्योंकि देखिए आपने सेवा ली है सामने वाले से, ये आप है, ये सामने वाला है, इससे आपने सेवा ली है, तब जब आप किसी भी प्रकार की सेवा दूसरों से लेते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना, जरूरी थोड़ा ना कैश देना है, काहिन देना है, कुछ भी, छोटा सा एक चॉकलेट भी दे दीजिए, एक गुलाब का फूल दे दीजिए, ऐसा नहीं कि बड़ा बढ़ चढ़ के देना है ना, एक्सचेंज में आप दे सकते हैं। सेकेंड थिंग कि हमें पता ही नहीं होता कि कितने लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो हम भी तो कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनको पता नहीं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है ना। फिर भी आपको लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए उनके लिए, कुछ कैश काइंड कीजिए आप उनके लिए, यदि ऐसा लगता है कि टोकन ऑफ लव मुझे देना चाहिए दे सकते हैं, पर जब तक आपने मुंह से नहीं बोला है और सामने वाला कर रहा है और बारंबार आपसे कह भी रहा है कि आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके ऊपर कर्म नहीं बनता, क्योंकि आपने अपने मुख से, आपको जरूरत है पर आपने मुख से नहीं बोला है, नहीं बोला तो मैं मेरी स्वेच्छा से कर रही हूं। इज इट क्लियर? हाँ,